कांग्रेस ने मोदी सरकार पर 45,000 करोड़ के टेलीकॉम घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर 45,000 करोड़ से ज्यादा के टेलीकॉम घोटाले को छिपाने का आरोप लगाया है। हाल ही में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार 45,000 करोड़ के घोटाले को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट से बिल्कुल साफ हो गया है कि इससे सरकारी खजाने को सीधा नुकसान हुआ है। ये मोदी सरकार 6 टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन पर बकाया राशि की वसूली की बजाय, उन पर जुर्माना ठोकने की बजाय उनको बचाने के उपाय ढूंढने में जुटी। कांग्रेस का आरोप है कि भारत सरकार को इन कंपनियों से 12,488 करोड़ रुपए की वसूली करनी थी, लेकिन सरकार ने इसके पुनर्मूल्यांकन का फैसला देकर अपनी नीयत साफ कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि जब घोटाला खुद कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, तब भला कांग्रेस सवाल किस हैसियत से पूछ रही है। ये सवाल जरूर उठता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को आधारहीन बताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह मामला पिछले सरकार के वक्त का है, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने है। यहां सुनने में आया है कि कोई सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें 2006 से 2009 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में अंडर रिपोर्टिंग हुई है। वो मामला शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने में है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी रिपोर्टिंग होती है उस पर स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस और लाइसेंस भी लगता है। ये पेनल इंटरेस्ट के साथ कलेक्ट किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार किसी को बख्शती नहीं है। नहीं, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ये पूरा विषय, जहां तक मेरी जानकारी अभी मिली है, ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय का है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, साफ कहना चाहते। केंद्रीय कैबिनेट में 75 प्लस का फॉर्मूला न लागू होने पर मध्य प्रदेश के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह ने सवाल उठाए हैं। सरताज सिंह ने कहा है कि इस मामले में मेरे साथ भेदभाव किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में भी 75 प्लस के नेताओं को बाहर होना चाहिए था। सरताज सिंह के मुताबिक इस मुद्दे पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलकर अपनी बात रखेंगे। फॉर्मूला ना तो केंद्र पे लागू हुआ और ना किसी अन्य प्रांत में लागू हुआ, तो ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई कि इसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाए? तो इससे लगता है कि थोड़ा भेदभाव दिखता है। अब वजह तो जिनने कदम उठाया है वो बताएंगे, हम तो उस वजह के शिकार हुए हैं, वजह तो वो बताएंगे। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं हमारे केंद्रीय नेताओं से बात करूंगा, मिलूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह ने बंगला खाली कराने को लेकर कहा कि इसमें जल्दबाजी की जा रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यह आवंटित किया गया ये बात सही है, लेकिन हमको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ये बात भी सही है, लेकिन जिसको आवंटित हुआ, अब स्वाभाविक है थोड़ा उनके लोग भी अति उत्साह में रहते हैं, तो उनके कुछ जनपद के अध्यक्ष और कुछ आए यहाँ, मैं नहीं था घर पर, हमारे ऑफिस के स्टाफ के लोगों से मिले, भाई आप कब खाली कर रहे हैं। सरताज सिंह के मुताबिक प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री ना होने के बावजूद दो दो तीन तीन साल से बंगलों में रह रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद अपना दल की घरेलू कलह लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कृष्णा पटेल गुट ने लखनऊ में आज पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल दो गुटों में बट चुकी है। एक गुट की अगुवाई सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कर रही है, जबकि दूसरे गुट की अगुवाई अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल कर रही हैं। कृष्णा पटेल के गुट की आज लखनऊ में बैठक हुई। बैठक के बाद कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया की वापसी की संभावनाओं से इनकार किया। कृष्णा पटेल ने कहा कि मैंने अनुप्रिया को टिकट दिया था और मैंने ही उसे पार्टी से निकाला है। आप कैसे कह सकते हैं कि अनुप्रिया जी का अपना दल है? जब से इसकी स्थापना हुई है तब से एक ही दल था। डॉक्टर पटेल के जाने के बाद उसकी बागडोर मेरे हाथ में रही है। अनुप्रिया जी ने 2012 में चुनाव मेरी अथॉरिटी से लड़ा है, 2014 में चुनाव मेरी अथॉरिटी से लड़ा है, और मेरे साइन से ही मैंने अपने दल से उनको निष्कासित किया है। ये जो विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जो मंत्रिमंडल में अनुप्रिया जी को शामिल किया गया है, वो सिर्फ इस लिहाज से क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुर्मी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी की उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी कुर्मी वोट बैंक के चक्कर में उनके दल में तोड़फोड़ करना चाहती है, इसमें वो उसे नहीं कामयाब होने देंगे।
मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी का पोर्टफोलियो बदले जाने पर जेडीयू सांसद अली अनवर ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अनवर से जब स्मृति का मंत्रालय बदले जाने पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, अच्छा हुआ स्मृति को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, कम से कम तन ढकने के काम आएगा। हालांकि बाद में अली अनवर अपने बयान से मुकर गए थे। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अली अनवर के इस बयान पर रिएक्शन भी शुरू हो गए हैं। महिला आयोग ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका तन नहीं, ये गलत, बिल्कुल गलत है। अगर ये पूरी अगर दिखा दे, इसमें हमने कहीं इस तरह की बात नहीं कही कि ऐसे जो पब्लिक लाइफ में जो है वो उनको तो स्पेशली हमारे देश के जो युवक हैं उन्हें एक जैसे उदाहरण ये करके उनको कॉपी करते हैं। वहीं अनवर की पार्टी उनका बचाव कर रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा बयान कोई दिया होगा, या अगर दिया होगा तो उससे लोगों ने जिस भाव से उन्होंने कहा है समझा नहीं होगा। पर अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उसकी ठोस निंदा करता हूँ। आपको बता दें कि रीशफल में स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था। उन्हें एचआरडी मिनिस्ट्री से हटाकर टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है। भाईचारे का त्यौहार आज ईद है और आज ईद की नमाज के लिए लाखों लोग इकट्ठा हुए थे जामा मस्जिद पे। आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं, भाई साहब यहाँ पे नमाज की ईद की नमाज कितने बजे हुई है? 7:30 बजे ईद की नमाज हुई है, जो ईद उल फितर कहते हैं, जिसको ईद मनाई गई है। हमने पूरे रमज़ान जो रोज़े रखे जिसकी खुशी में आज ईद हुई है, जो हमारे रमज़ान गए हैं, तो आज के दिन लाखों लोग आते हैं नमाज पढ़ने। पूरे मीना बाजार के पार्क भरे होते हैं, पूरे रोड भरे, लाखों लोग होते हैं। फिक्रा का भी बड़ा महत्व है, आप लोग 30 दिन का फिक्रा निकालते हैं जो आज देते हैं। ये जानवर माल का जितना भी फिक्रा होता है सब देते हैं, इसलिए कि कोई आगे हमारे लिए कोई परेशानी ना आए जिंदगी के अंदर। आज के दिन हर कोई ईद का जश्न मनाता है, हमारे साथ बच्चे, हम इनसे जानते हैं आज आप क्या क्या करने वाले हैं। आज हम मिठाई खाएंगे और नानी वानी के सबसे जाएंगे और दावत भी आज हमारे यहाँ। आपको बता दें कि इसे मीठी ईद भी कहते हैं और आज के दिन हर कोई मिलके इसका जश्न मनाता है, बल्कि हम लोगों को भी इंतजार रहता था कि ईद कब आएगी, क्योंकि इस मौके पर खाने पीने को तो मिलता ही है, साथ में एक अच्छा खासा बड़ा मेला भी लगता है। अगर जामा मस्जिद पर की बात करें तो यहाँ भी एक बड़ा मेला लगता है, जिसके वजह से चांदनी चौक का एरिया हो या जामा मस्जिद का, ये पूरा पूरी तरह से गुलजार रहता है। ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज के लिए इस बार महिलाओं को भी बुलाया गया है। तैयब हॉल है ये, जहाँ पर ये महिलाएं मौजूद हैं और अपनी तरफ से नमाज पढ़ने आई हैं। ये एक पहली बार ऐसा हुआ है जब महिलाएं यहाँ पर आई हैं नमाज पढ़ने के लिए। आप बताइए कहाँ से आई हैं, आपको जब पता चला कि मस्जिद में नमाज पढ़नी है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी। हम लोग इंदिरा नगर से हैं, हम लोगों को आने में यहाँ पे काफ़ी दूर पड़ रहा है, लेकिन बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। हम लोगों के लिए एक फर्स्ट टाइम है, बट बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि इससे बराबरी आएगी, अब आप भी साथ में बैठ के? हाँ, ये तो है, मेंस एंड वुमेंस ऑल आर इक्वल एंड हम लोग अच्छा लग रहा है, खुश हैं। नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, ऐसा होना चाहिए और औरतों को और ज़्यादा तादाद में आना चाहिए यहाँ पे। जैसे सऊदी अरब में महिलाओं के नमाज पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था है, ऐसे और जितने देश भर में ईदगाह हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ पर अगर महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि इस्लाम में भी ये माना गया है कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व है। 19 जुलाई से शुरू होने वाली नीलकंठ कांवर यात्रा को लेकर टिहरी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार प्रशासन ने डीजे और ओवरलोडिंग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। दरअसल सावन में बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार ऋषिकेश से होते हुए नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। रोजाना कांवड़िए नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक करते हैं। सोमवार को इनकी संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच जाती है, जिससे ऋषिकेश नीलकंठ मार्ग पर अमूमन जाम जैसी स्थिति बनती है, जिसको देखते हुए टिहरी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो जहाँ तक डीजे की बात है तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह कटिबद्ध है कि जो भी डीजे वगैरह हमारे जनपद में यदि वो आते हैं तो उसको हम लोग रोकेंगे, सीज करेंगे। पूरी व्यवस्था की इसमें पूरी तरह से इसमें समीक्षा हो रही है, सब अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं।